We love core. We love core university. I love core and we love core. 25 सालों की legacy है core. We love core university. We love core university. We love core university. We love core university. Alright guys, so once again, this is Siddhi Bro in the Sunsay, Mary Jan from Vocal City Productions, and guess what, you know, today is the second day and we are here in the magnificent campus, the huge campus of Korea University. Aaj second day hai Zion 2K 2-3, woo! Super excited, cool guys, ye hai Core University, humare paas kuch students hai, jo Core Committee hai. राइट ऊर्जा से बिलोंग करते हैं, जैसे कि नाम में दिखता है ऊर्जा, राइट वैसे ही इनके जज्बातों में है ऊर्जा. बस एक छोटी सी बाइट लेते हैं और उसके बाद हम आपको कराते हैं कैंपस विजिट. चले आपके अंदर ऊर्जा है. Yes. What is your X factor? ऊर्जा. ऊर्जा. मतलब क्यों excited हो आज आप इस पूरे इवेंट के लिए, guys? क्योंकि हमने ये सारा कंडक्ट कराया और ये हमको देखना है कि हमारी ऊर्जा आज क्या दिख रही है. Okay. क्या हमने किया यहाँ पर? Great. And आपका नाम क्या है वैसे? सर परीक्षित. परीक्षित सिंह. परीक्षित. Yes, sir. So, जैसा कि इन्होंने मेरे को बताया, परीक्षित नाम है इनका और ऊर्जा कमेटी से बिलोंग करते हैं, जो कि कोर की एक इंटरनल कमेटी है, स्टूडेंट ओरिएंटेड एक क्लब है, जो सारे कल्चरल इवेंट्स को, जो Zion 2K23 25 सालों की लेगेसी कोर की अपने साथ लेते हुए कोर यूनिवर्सिटी यहाँ पे ये इतना बड़ा इवेंट अगर ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली आई कैन गिव यू गारंटी एंड एश्योरेंस दैट यू नो गाइस, तुम्हारे अंदर ऊर्जा भरपूर होगी. मैडम आप बताएं, आपकी इस स्माइल के पीछे का राज क्या है? आज का इवेंट. ओके ओके, आज का इवेंट. तो क्या प्रिपरेशन, आपकी रोल क्या है? मैं मैनेजमेंट. ये इवेंट मैनेज कराया है, अच्छे से कराया है, और देखते हैं कि आज का इवेंट कितना अच्छे से जाएगा. देखा दोस्तों, तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, लाइक यू नो Core University 25 years of legacy के साथ जो चल रही है यहाँ पे, सिर्फ नॉट ओनली बॉयज बट यू नो गर्ल्स, दे आल्सो गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू लीड द ग्रुप. मैडम आप बताएं अपने बारे में कुछ. हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिशा मैथी एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर मेंबर फ्रॉम ऊर्जा. ऑलराइट, आप आगे आ जाएं प्लीज. आपका शुभ नाम बताएं. माय नेम इज दिशा, दिशा मैथी. दिशा, एनी मैसेज टू योर यू नो फ्रेंड्स और जो भी टीम बाहर से आ रखी है अभी कोर में, आज सेकंड डे है, तो कुछ एनी मैसेज आपकी तरफ से, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सारे आपके सीनियर्स हैं. Currently it's very much like doing exciting things. You should enjoy this event very much. Like it's a very fun and fantastic activity. आओ enjoy करो. Star night आ रहा है. I'm very excited for that. Alright guys, so अभी यहाँ से तो introduction पूरा हो चुका है, but we are despo and desperately we are just waiting for the events to happen. Unfortunately, we have been just waiting since I think 12 o'clock, 12 बजे से wait कर रहे हैं, यही तो craze है. Like you know, अभी पूरा crowd भी आना है, glamour भी आना है और talent भी आना है. अब देखना ये है कि कौन जीतता है और कौन हारता है. तब तक you guys, you just keep your eyes on Core Zion 2K23. That's the only way in the Sunsay, Mary Jan. But right now we have just stepped into the main stadium, I guess. And my team, you can see the preparations. यहाँ पे किस तरह की preparations चल रही है, guys? Excitement level एक दिन का नहीं है. Excitement level 3 दिन से चल रहा है, guys. और हमारे पास अभी एक random group है. आइए यहाँ पे आते हैं और पूछते हैं कुछ इनसे सवाल, जिनका देंगे ये जवाब. All right, तो आप सबसे पहले बताएं आप कौन सी यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं? मैडम कोर यूनिवर्सिटी. वंडरफुल यूनिवर्सिटी. किस इवेंट से हैं आप, कौन सा इवेंट आप आज अपने आपको प्रेजेंट? डिवाइब्स. ऑलराइट, सो ये बेसिकली डिवाइब बहुत ही जबरदस्त कीवर्ड है, कैची एंड ट्रेंडी वर्ड है, जो कई दिनों से, मैं कहूंगा कई महीनों से बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है. ये डिवाइब्स आखिर है क्या? चलो करते हैं डिकोड, आखिर इसके पीछे का राज क्या है, क्या है ये डी वाइब्स? इट्स अ ग्रुप डांस परफॉर्मेंस बेसिकली, सो ऑल द ग्रुप्स विल बी गैदरिंग हियर एंड परफॉर्मिंग फॉर द टाइटल. गाइस कल तो था प्रीलिम्स, मींस क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल आज है. क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? आपके अंदर एंजाइटी है?
या क्या चल रहा है? देखो दिल की धड़कने बढ़ रही हैं आपकी। यस सर। लग नहीं रहा चेहरों को देखकर यार, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? कम ऑन। बहुत एक्साइटेड है, थोड़े नर्वस भी हैं, बट हम बीट्रॉनिक्स हैं। ऑलराइट, बीट्रॉनिक्स हैं, ये तो समझ नहीं आ रहा मेरे को, काफी टेक्निकल कीवर्ड है, बट दो शब्द मैंने यहाँ पे यूज किए थे, क्या आप एक्साइटेड हो या आप एंग्शियस हो? तो एक्साइटेड क्यों हो मैडम आप? बिकॉज वी लव टू डांस, और बस हम अपना टाइटल क्लेम करने आए वापस। ऑलराइट, चलो मैं आप लोगों को बहुत लाइक यू नो आई वुड लाइक टू जस्ट गिव यू माय बेस्ट विशेस फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट। आप जीते या हारे जीतेंगे, इट्स आवर थिंग, हम लोग जीतेंगे, वी ओनली विन, कायम रखेंगे, कायम रखेंगे। गाइस यही तो जज्बा अलग बनाता है कोरियंस को रेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं। गाइस कोर यूनिवर्सिटी ज़ायन 2K223 बीट्रॉनिक्स। वो तो मेरी दोस्त थी सिमरन, इसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करके एक कॉम्पिटिशन इवेंट हो रहा है हमारे यहाँ पे, तब मैं आया यहाँ पे। सिमरन सुन के, और सिमरन एक शब्द ऐसा शब्द है यार जिसको सुन के मेरे को DDLJ की याद आ जाती है, ओके दिल वाले दुल्हनिया। तो मैं चाहूंगा सिमरन जी और आपके जो बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, अगर वो थोड़ा सा इसको इनेक्ट कर पाए तो एक थोड़ा सा एक माहौल में एक रंगीनी आ जाएगी। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। हाँ मैं जी रही हूँ अपनी जिंदगी। देखा यही तो होता है खेल एक्सप्रेशंस का। ऑलराइट, यहाँ पे ड्रामा भी है, यहाँ पे थिएटर भी है, मसाला भी है और स्पोर्ट्स भी है। राइट, इस वक्त पूरे दिन जी तोड़ हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद हमारे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, इतने थके हुए हैं। गाइस आप इनके चेहरे पे मत जाइए, इनके जज्बे को सलाम है, पूछते हैं इतनी थकी हुई क्यों? माफ कीजिएगा, शर्मा रही है, लेकिन इस शर्माहट के पीछे का राज क्या है मैडम? मेरी शक्ल ही ऐसी है। ये बोल रही है इनकी शक्ल ही ऐसी है, मैं तो कहता हूँ बहुत प्यारी शक्ल है। क्यों? सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम जया है। जया, आपके कोर्स का नाम क्या है? BTEC IT। Alright, so basically बहुत ही खूबसूरत कोर्स से है, जितनी खूबसूरत ये है उतना खूबसूरत इनका कोर्स भी है BTEC IT। तो आप यहाँ पे आज एज अ पार्टिसिपेंट हैं या फिर एज अ कॉम्पिटिटर हैं या एज अ स्पेक्टेटर्स हैं? एज एन ऑडियंस। ऑलराइट, सो अपने एज एन ऑडियंस, क्या आप अब जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं कोर यूनिवर्सिटी से या जो भी कॉम्पिटिटर यूनिवर्सिटीज हैं, आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे क्वांटम यूनिवर्सिटी भी आई है। हाँ जी, ऑलराइट, तो आज उनका वॉर काइंड ऑफ थिंग है। हाँ जी, एक कॉम्पिटिशन है। हाँ जी, उनमें उबाल है। हाँ जी, तो सपोर्ट किसको है? कोर ऑब्वियसली। श्योर? हाँ जी। अगर एक मैसेज, एक खूबसूरत सा मैसेज अगर आप देना चाहेंगी तो क्या देंगी अपने कोर यूनिवर्सिटी के जितने भी अगर टीम है, जितने भी स्टूडेंट्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर यूनिवर्सिटी को, ब्यूटीफुल कैंपस, 25 सालों की लेगेसी है गाइस, कम नहीं होता है, तो उनको क्या मैसेज देंगी? मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि कोर की इज्जत का सवाल है, सो ऑल द बेस्ट। इतना डर के अगर कोई इतना जज्बाती मैसेज दे रहा है तो गाइस इज्जत करो उस मैसेज की। कोर है ज़ायन 2K23, एंजॉय करो। गाइस एक चीज बताऊं यार, मैं तो बहुत थक गया हूं क्योंकि सुबह 9 बजे से मैं कोर यूनिवर्सिटी में एंजॉय कर रहा हूं और इस वक्त बज रहे हैं 6, लेकिन अभी आप देख सकते हो बिहाइंड द सीन चल क्या रहा है, सुपर एक्साइटेड विद द वॉलंटियर्स ऑफ कोर यूनिवर्सिटी। ऑलराइट, सो अभी इस वक्त यहां पे माइक टेस्टिंग चल रही है गाइस, आप समझ सकते हैं धमाल कितना बड़ा होने वाला है, सुपर एक्साइटमेंट लेवल। गाइस इट्स ज़ायन 2K23, कैसा लग रहा है आपको? बहुत एक्साइटेड है। श्योर? यस श्योर। प्रिपरेशन पूरी चालू है, फुल ऑन। टीम को कुछ कहेंगी, लाइक यू नो आपके किसी फ्रेंड्स ने, अगर किसी भी फ्रेंड सर्कल में अगर किसी ने पार्टिसिपेशन दिया होगा अपना, लाइक यू नो आज चूंकि सब बेस्ट है, बैंड है, राइट, सब बेस्ट है, तो क्या प्रिपरेशन चल रखी है अभी तक? ऊर्जा ग्रुप। अब यहाँ क्या कर रहे हो? ऊर्जा तो आई थिंक दे आर गेटिंग देमसेल्फ बिजी विद द प्रिपरेशंस, पिक्चर क्लिक करनी है। ऑलराइट, कुछ सेल्फी क्लिक करती हैं। ऑलराइट, सो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, अच्छा लगा यार, थैंक यू। ऑलराइट, सो अब होगा मिक्स, अब होगा ब्लेंड, जब हमारे साथ है कोर यूनिवर्सिटी एंड क्वांटम यूनिवर्सिटी टू ड्रॉप डेड
gorgeous divas. All right, welcome to Core University once again. आज मुझे लगता है कि सेमीफाइनल का राउंड है. कितने एक्साइटेड हो आप लोग? बहुत ज्यादा एक्साइटेड. यहाँ पे कोर के स्टूडेंट्स भी. गाइस, तुम्हारा एंथुसियाज्म किधर है यार? कहाँ हो? मैं देख. All right, अब ये हो जाए कंपटीशन स्टेज के बाहर. एक तरफ हमारे पास है टीम क्वांटम और एक तरफ है कोर यूनिवर्सिटी जो कि होस्ट टीम है और होस्ट आई थिंक कोर यूनिवर्सिटी राइट. जज्बा कितना है, क्या कहेंगी? एक्साइटेड है बहुत ज्यादा. बहुत ज्यादा एक्साइटेड है. कुछ कहेंगी कॉम्पिटिटर सामने खड़े? सर अभी एक पार्सल डी है. यह पार्सल डी है, ऐसा मत बोलना. ऑल राइट, ओके, कोई बात नहीं. देखा गाइस, एक चीज प्रूव हो गया. आ जाओ यार गाइस, एक चीज प्रूव हो गई. कॉलेज भले ही डिफरेंट हो, यूनिवर्सिटी डिफरेंट हो, लेकिन जज्बा अगर एक है वो है विनिंग स्पिरिट का जज्बा, टीम स्पिरिट का जज्बा. तो डिफरेंट नहीं करता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से हैं, आप कैसे हैं. बस फर्क एक चीज करती है कि आपका टैलेंट क्या है. और कुछ कहना चाहेंगे आप? थैंक यू, आई गिव यू ऑल द वेरी बेस्ट आस्था एंड शिखा, बेस्ट ऑफ लक. क्या बताना चाहेंगी मैडम? We are very excited. किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? For the dance. All right, so dance के लिए? हाँ जी sir, it has been a fun ride. All right. उसका interview ले ले कल. Yes. Official partner Siddhi Bro and Vocal City Production for Core University. 25 सालों की लेगेसी के साथ, ऑफ कोर्स डेफिनेटली वो आ रही हैं यहाँ पे. और जितनी वो डायनामिक है उतने ही डायनामिक यहाँ के स्टूडेंट भी हैं. ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल भी बोल सकते हो, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है. और ऑलराइट सो, बहुत ही एक्साइटमेंट, सुपर एक्साइटमेंट लेवल में है सारे स्टूडेंट्स. एंड राइट नाउ यहाँ पे एक रॉयल एनफील्ड का आई थिंक एक प्रमोशनल बैनर है. आई थिंक यू नो टू ड्रॉप दैट दीवास, दे आर जस्ट गेटिंग देमसेल्फ बिजी इन टेकिंग देयर सेल्फीज. पूछते हैं क्या है लेवल एक्साइटमेंट का आप दोनों के अंदर? खासकर डांस ग्रुप्स जेनिथ बिट्रॉनिक्स. यार एक चीज मैंने देखी यहाँ पे ना, एवरीबॉडी इज फ्रॉम यू नो एवरी सेकंड इंडिविजुअल इज फ्रॉम ज़ेनिथ. ऑलराइट, व्हाट इज दिस ज़ेनिथ? ये है क्या? ज़ेनिथ इज अ डांस ग्रुप. ज़ेनिथ और बिट्रॉनिक्स दो डांस ग्रुप इस कॉलेज के मेन कॉम्पिटिटर्स. कौन जीतेगा आपको क्या लगता है? कौन जीतेगा? दोनों में कॉम्पिटिशन है कहना मुश्किल. तो आप पार्टिसिपेंट हैं या फिर आपने ऑडियंस है? वी आर ऑडियंस. एक्स बिट्रॉनिक्स. ओह, एक्स बिट्रॉनिक्स ये ऑडियंस है. काफी ब्यूटीफुल ऑडियंस है यार. मैं जानना चाहूंगा लाइक यू नो, हैव यू पास आउट फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी और यू आर स्टिल इन द यूनिवर्सिटी? सेकंड ईयर. सेकंड ईयर? या सेकंड ईयर. तो कुछ कहना चाहेंगे आप अपने कॉम्पिटिटर्स को या अपने अपने नॉट ओनली कॉम्पिटिटर्स बट लाइक यू नो अपने टीम के जो आपके मेंबर्स हैं उनको अगर आप कुछ कहना चाहेंगे? बिट्रॉनिक्स एंड ज़ेनिथ बोथ. आई थिंक यू नो फ्रॉम कोर यूनिवर्सिटी से हो या फिर आप बाहर से हो. कैसा लग रहा है यार जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम कैमरे के फ्रेम में लेना चाह रहा था तो यार यू गाइस वर यू नो अ लिटिल बिट नर्वस, ऐसा क्यों था? नहीं नर्वस नहीं थे बट बिजी थे अपनी फोटोज वगैरह क्लिक करने में. देखा आखिर ये चीज. ओह, फोटो इज इम्पोर्टेंट, सेल्फी इज इम्पोर्टेंट. ऑलराइट, ये तो मैं मान सकता हूँ सेल्फी की बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है गाइस, खासकर तब जब ये फेस्टिवल साल में एक बार आता है. गाइस साइन 2K23, आप लोगों ने किसी में पार्टिसिपेशन नहीं कर रखा है? नहीं, एंजॉय करना है बस, आराम से. एंजॉय, ओनली एंजॉय? सिर्फ एंजॉय. Right. So guys, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एंजॉय कर रहे हैं, इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं. एक बहुत अच्छे एक स्पेक्टेटर्स हैं, वो अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं. बेसिकली आप लोग किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो? क्योंकि मेरे को ऐसा सुनने में आया कि लाइक यू नो आज यहाँ पे एक वॉर ऑफ बैंड चल रहा है. हमारे उसमें तो मतलब क्लास से काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टीम्स में से हैं मतलब क्लासमेट्स, तुम तो बहुत सारे टीम्स को कर रहे हैं. तो ये बहुत सारी टीम्स को ये सपोर्ट कर रहे हैं. अगर मैं एक इस वक्त हमारे सामने बहुत ही डायनामिक स्टूडेंट्स हैं कोर यूनिवर्सिटी के, चलो देखते हैं इनके अंदर क्या चल रहा है. आधे एंग्शियस, मतलब जो एक एंग्जाइटी लेवल होता है इनके अंदर क्योंकि कॉम्पिटिशन है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन है, डांस कॉम्पिटिशन है, समथिंग लाइक दैट. क्या चल रहा है आपके मन में, क्या चल रहा है अभी? मैम आ रही हैं, इतनी प्यारी सिंगर्स हैं वो, हमें उनको बहुत ज़रूरी देखना है क्योंकि मेरी वो फेवरेट सिंगर है, तो मैं तो चाहती ही उन्हें देखना. और कोर यूनिवर्सिटी में मेरा फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर में मुझे इतने सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स देखने के लिए मिलते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. आखिर वो कौन है जो आ रही हैं, जिन्होंने आपका चैन और सब चीज़ उड़ा दिया है, जिन्होंने आपको बेचैन कर रखा है, कौन है वो डीवा?
शैली शेट्टी। ऑलराइट, आई थिंक वो कल आ रही है, इज़न्ट इट? हां जी, हां जी। और ये इतने सुपर एक्साइटेड हैं अभी से। ऑलराइट, सो आप इतने प्यारे, आपकी इतनी एथनिक एक ड्रेस है, कुर्ता एंड यू नो ऊपर से कुछ कहना, मतलब आप एकदम ही यूनिक लग रहे हो यहाँ पे। ये आपने क्या सोचा कि लाइक यू नो एक इंडियन एथनिक अटायर को आप चूज करें? ओके, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअली मेरा आज पहला, मैंने फर्स्ट टाइम, मतलब मैं सेकंड ईयर का हूँ, फर्स्ट ईयर में मैं कर नहीं पाया था यहाँ पे, तो मेरा फर्स्ट, अब सेकंड ईयर में आके मैंने पहली बार मिस्टर जायंग के लिए अपना एक वॉक करी थी, रैम वॉक, तो उसमें मैं सिलेक्ट हुआ था। ठीक है, तो बहुत मेरे को अच्छा लगा करने में, थोड़ा इंटरव्यू में थोड़ा ऐसा हुआ, मतलब फर्स्ट ट्राई करा तो अच्छा लगा मेरे को। और ऑलराइट गाइस, सो इस वक्त सेल्फी पॉइंट है यहाँ पे कोर यूनिवर्सिटी, और मैं सेल्फी पॉइंट के आगे खड़ा हूँ, एंड राइट नाउ यू नो आई हैव गॉट हियर टू ब्यूटीफुल ड्रॉप डेड गॉर्जियस, I must say, Divas, कैसी हो? First of all, hi बोलो एक बार। Are you super excited? Yes, I'm too. We are. लेकिन किस चीज के लिए, मतलब किस इवेंट के लिए आप लोग इतने excited हो? So basically, I'm excited for tomorrow's event. And Zion, this is a 3 days fest. So we are very excited for enjoying this fest. That choir is amazing. Seriously. Of course. Choir is amazing. I think 25. Too good. And Charu ma'am, she's too good. She's so polite. I love it. All right, Charu ma'am. अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो वो हैं वो ईडी हैं, लाइक यू नो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ कोर यूनिवर्सिटी। बहुत ही हम्बल नेचर के, लाइक यू नो इनको हमेशा वो एज अपना यंगर सिस्टर कंसिडर करती हैं वो आपको, राइट? आप बताएं। My name is Sonika. I'm also pursuing MBA. And look at the college and the greenery is so amazing. जब भी हम शाम को बाहर जाएँ या लंच टाइम पे बाहर आए तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम कहीं बाहर आए। बहुत ही ब्यूटीफुल कैफेटेरिया और एवरी थिंग इज सो ब्यूटीफुल, एंड द टीचर्स जो हमारे हैं, डायरेक्टर, एवरीबडी वी सपोर्ट अस वेरी वेल, एंड द चारू मैम शी इज सुपर्ब, ग्रेट सुपर्ब। इवन दो मेरा खुद का बिजनेस है और उसमें भी उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प दिया है, तो थैंक यू सो मच चारू मैम फॉर एवरीथिंग। तो ऊर्जा, मे बी वी रॉक्स। यू आर आल्सो फ्रॉम ऊर्जा, एवरीवेयर इज ऊर्जा, राइट? ऊर्जा इज ओमनीप्रेजेंट, इट्स प्रेजेंट एवरीवेयर आई थिंक। ऊर्जा, टेल मी समथिंग अबाउट ऊर्जा मैडम। लाइक कमेटी है और हमें जितना भी हमारे कॉलेज में इवेंट्स होते हैं सब ऊर्जा ऑर्गेनाइज करती है, और इतनी वेल ऑर्गेनाइज करती है कि बहुत मज़ा आ जाता है। बाहर के स्टूडेंट जो आते हैं तो दे इंजॉयड अ लॉट, एंड वी ऑल्सो, लाइक इट्स अवर फर्स्ट फेस्ट जायन, एंड बेसिकली वी आर इंजॉइंग इट लॉट। वी आर इंजॉइंग अ लॉट सीरियसली, एंड यस्टरडे इट्स अमेजिंग, वी हैव हैड अ लॉट ऑफ फन, एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। And thank you Charu ma'am, thank you Charu ma'am, as well as thank you Koir University, क्योंकि multiple opportunities का अगर एकमात्र destination और solution में कहूँगा तो that is Koir University, रुड़ की 25 सालों की legacy। All right, thank you very much, wonderful. All right guys, so right now it's 7 o'clock by my watch, and I am here in front of this food plaza. But trust me one thing, I am so hungry, but no. Nothing, you know, is there any like there is nothing who can, you know, quench the thirst of mine, and you know who can satisfy my appetite. But bahut zyada ek energy ke sath lete hue we have got here 4 students of Koir University. Yaar jaana chahunga aapki excitement level kitna hai yaar, guys, excitement level kitna hai, ya sirf golgappe khane ke liye aa rahe ho aap yahan pe? Nahi, excitement bahut hai. Aaj jitne bhi dance groups hain unka finale hai aur hum सबकी परफॉर्मेंस एंजॉय करने के लिए आए। All right, so basically dance finale, something is going on, D vibes चलता है। तो ये D vibes, what is this D vibes? ये है क्या D vibes यार? इतनी hype क्यों बन रखी है इसकी Koir University में? Everybody is talking about D vibes and D vibes. What is D vibes? Basically D vibes में हमारी जो committees है, dance committees, वो group performance होती हैं। तो वो उन्होंने काफी मेहनत करते हैं वो लोग इस competition के लिए। Yearly competition होता है, तो उनके बीच में वो battle होती है, dance battle। तो उसके लिए सब excited होते हैं कि हमें पता है हमारे friends हैं और सबके friends अलग अलग committees में हैं। जान लगा के लोग तैयारी करते हैं, मतलब डी वाइब्स के लिए, जो हमारे फ्रेंड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, उसके दिखता है वो कितनी मेहनत करते हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। बेसिकली आप लोग जी जान से मेहनत करते हैं, जी जान अपना लगा देते हैं उसमें एक कंपटीशन को जीतने के लिए, तो कंपटीशन आसान नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन सबने मेहनत करी है, तो अभी यही देखना है कि क्या होगा नेक्स्ट और कौन विनर होगा। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। सारे ही फर्स्ट ईयर के हैं, इज़न्ट इट? मायसेल्फ किरण नेगी।
किरण नेगी जी हैं और आप बताएं? I'm चित्रा जैन. Alright, so ये आज की जो शाम है, like you know, ये आम शामों से कैसे अलग है? Today is EDM night and DJ आ रहा है बाहर से, so that would be a different thing. DJ, कौन सा DJ आ रहा है? I guys, super excited DJ के लिए. DJ night है. Today is DJ night, right? Yes. Excited, huh? Yes. All right. Yeah. Okay, so Core University में पूरा enjoy कर रहे हो, मस्त मन लग रहा है, isn't it? Alright, so guys, इस वक्त हो चुके night 8 o'clock by my watch, but still energy intact है. सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक चलते हैं आगे, हो क्या रहा है. Alright, powerful, powerful impact है यहाँ पे इस वक्त. Wonderful, wonderful experience है. आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, like you know, इस वक्त हो क्या रहा है. बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लेवल है, मेरे को शायद समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, बट आप क्राउड देख सकते हो यहाँ पे है कैसा. वंडरफुल, कॉल्ड द वाइब ऑफ कोर साइड 2K23 राइट नाउ इट्स 8 o'clock. कम ऑन, आप लोग देख सकते हो हर हर महादेव के नारे लग रखे, कितना एंथुसियाज्म, कितना एक्साइटमेंट लेवल कोर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में. इस वक्त जो क्राउड दिख रहा है, सुपर क्रेजी एंथुसियास्टिक, एंड ऑफ कोर्स मैं जानना चाहूंगा कैसा लग रहा है ओवरऑल. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं. एंजॉय कर रहे हैं, क्या एंजॉय कर रहे हैं? एनर्जी, एवरीथिंग इज ऑल सेट, ऑलराइट, फुल ऊर्जा. ऊर्जा, क्योंकि हमने एक चीज सुनी है, ऊर्जा. गाइस, मैंने सुबह से बहुत बोल रखा है, तो गाइस ऊर्जा, लेट्स वन मोर टाइम, ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा. यहाँ पे बहुत सारा क्राउड है मैम, क्या आप एंजॉय कर रही हैं यहाँ पे? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. क्या एंजॉय कर रही हैं? लाइक यू नो व्हाट यू आर एंजॉयिंग हियर राइट नाउ? डांस, द वाइब इज सो कूल. वाइब, बहुत अच्छी चीज बोली है. व्हाट्स योर ब्यूटीफुल नेम? निकिता. निकिता, बहुत ही प्यारा एंड गॉर्जियस ड्रॉप डेड नेम है निकिता जी. और गाइस, कुछ लोंडे हमारे साथ पीछे खड़े हैं. गाइस, एंजॉय कर रहे हो? हाँ, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं. क्या एंजॉय कर रहे हो गाइस? काफी अमेजिंग है, बहुत मजा आ रहा है हमें देखने में. ऑलराइट, ये इवेंट आफ्टर ऑल ये है क्या इवेंट? कुछ बताएंगे इवेंट के बारे में? ये हमारा कोर कॉलेज का कल्चरल फेस्ट है, हर साल होता है, 3 दिन चलता है. बस सो हमें तो इस इवेंट में बहुत मजा आया, आई होप आप सबको भी आया होगा. Wonderful! It was a magnificent, like you know, performance. Wonderful! You know, I enjoyed. बहुत, so much of energy. Okay, so आपने देख लिया कि इन्होंने सारी starting की थी and मैं ending कर रही हूँ. हमें इस बारे event में बहुत मजा आया, कल भी बहुत मजा आने लगा. शिरले सेतिया आ रहा है, of course. And हम अब मिल रहे हैं कल की episode में. साथ बने रहना.